इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला का अभिषेक करेंगे। किरणें 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहां किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिनी आकार के गोले तिलक के रूप में दिखेंगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। रामलला मंदिर के पुजारी अशोक उपाध्याय के मुताबिक कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं। रविवार को दोपहर की आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ तो किरणें रामलला के होठों पर पड़ी, फिर लेंस को दोबारा सेट कर सोमवार को ट्रायल हुआ तो किरणें मस्तक पर पड़ी। इससे रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन अब तय माना जा रहा है। 3 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है, इसका प्रसारण 100 LED स्क्रीन से पूरा होगा। 17 तारीख को रामनवमी है, उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है